Hey guys, welcome back to my another video. In this video, I am going to tell you 5 common mistake of underhand and finger. तो ये वीडियो मुझे सजेस्ट किया है सोमिया बीट्स और एजी क्रिएशन, जिसकी प्रॉब्लम थी कि अंडरहैंड और फिंगर नहीं हो रहा, उसकी क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं आप उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो करो। तो वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो गाइज, फर्स्ट पॉइंट होने वाला है प्रॉपर गाइडेंस। देखो, जब भी आप अंडरहैंड या फिंगर या खेलने जाते हो या स्टार्ट कर, ठीक है, तो आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस वाला, मतलब आपको कोच नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर गाइड नहीं है कि लेना कैसे है या उसकी टेक्निक कैसी है, हैंड पोजीशन कैसा, अगर वो प्रॉपर आपको नहीं पता है तो आप गलत लोगे और आप फिर उसको अपने बॉडी के अंदर डेवलप कर लोगे और लाइफ टाइम तक आपके पास वो स्किल्स रहेंगी जिसकी वजह से आपको प्रॉपर, मतलब दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर जो आपको गाइड कर सके कि कैसे है। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, ठीक है, अंडरहैंड और फिंगर की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर गाइडेंस। सेकंड, नॉट यूज़ प्रॉपर टेक्निक, ठीक है। जब भी हम अंडरहैंड और फिंगर को लेते हैं तो उसमें हम प्रॉपर टेक्निक का यूज़ नहीं करते। जैसे देखो, हमारी जो अपर बॉडी होती है, ठीक है, और लोअर बॉडी होती है, तो कौन सी ऐसी बॉल है जिसको हमें अंडरहैंड लेना और इसको फिंगर लेना, ठीक है। मैंने आपके, अगर नीचे से देखा जाए तो नीचे से जब आपकी बॉल चेस्ट तक आती है, वो सारी बॉल इसके नीचे वाली क्या होती है, अंडरहैंड। बट चेस्ट से ऊपर वाली जो भी बॉल होती है वो सब क्या होती है, अपर हैंड, जिसको हम फिंगर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको टेक्निक का यूज करना है। थर्ड पॉइंट, नॉट टेक अ प्रॉपर स्टांस, ठीक है। अब स्टांस में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप क्या करते हो, आप खड़े रहते हो ऐसे सीधा ऐसे बॉल ले रहे हो, या बॉल आ रही है, आप बॉल इस साइड आ रही है, आपने इधर कर दिया, बॉल इधर निकल गई। तो स्टांस क्या होता है, देखो मैं आपको स्टांस दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को लो रखना है, अपने नी को बेंड करना है। अंडर हैंड हो या फिंगर, मैं आपको दोनों के लिए टिप्स सेम बता रहा हूँ, ठीक है। नी बेंड, ठीक है, टो अप होने चाहिए, पीछे से की आपकी रेडी पोजिशन, ठीक है। और ये जो आपकी दोनों हथेलियाँ हैं, ठीक है, ये ओपन रहनी चाहिए और आपको नीचे की तरफ रखना है, ठीक है, ऐसे। और अपना जो फोकस होना चाहिए वो फ्रंट में होना चाहिए, सामने, आप जिस भी बॉल की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस साइड देख रहे हो या लेफ्ट राइट देख रहे हो, आपको फ्रंट में डाउन हो सकते हो ग्राउंड से, उतना डाउन, जितना डाउन जाओगे उतना अच्छा आप बॉल को पास ले सकते हो, उसको रिसीव कर सकते हो, ठीक है। अंडरहैंड और फिंगर आपको सेम इसी पोजिशन लेना है। बट अगर आपने अभी तक हमारा हाउ टू प्ले अ वॉलीबॉल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करें और वीडियो को जल्दी देख लो। उसके अंदर मैंने बेसिक टिप्स बताई हुई है अंडरहैंड और फिंगर की, बिगिनर्स के लिए, तो आप उसको पूरा देखो। फोर्थ पॉइंट, अब आ जाते हैं हम अपने हैंड पोजीशन। देखो, जब तक अपना करेक्ट हैंड पोजीशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप बॉल को पास ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आपको हैंड पोजीशन करेक्ट वाली कौन सी। देखो, सबसे पहले ये दोनों जो आपके फोर आर्म है इनको क्लोज रखना ऐसे, ठीक है। अब बॉल आपको इस एरिया में लेना है, ये जो फोर आर्म वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद आती है रिस्ट, ये इसका यूज़ करना अप डाउन के लिए, ठीक है, ऐसे बॉल को ऊपर ले जाने के लिए। तो अब हैंड पोजीशन के अंदर इनको ज्वाइन किया जाता है। अब ज्वाइन करने के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, आपको अपने हैंड को दोनों ओपन रखना, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, देन पास। सेकंड, इसको क्लोज करना है और इसको यहाँ ज्वाइन कर लेना है, पास। थर्ड, आप इसको, ये वाला जो अंगूठा है इसको यहाँ दबाओ, इससे इसको क्लोज करो और यहाँ से इस तरीके से, मतलब लॉक कर दो और देन पास। तो ये जो 3 तरीके, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता हो आप अपना यूज़ कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो हैंड पोजीशन आपका जब तक सही नहीं होगा और आपको ये नहीं पता होगा कि बॉल लेना कहाँ, अगर बॉल यहाँ की जगह यहाँ आ गया ठीक है। अब कैसे आपको क्या करना, अपने हैंड पोजीशन करेक्ट रखना और आपको रेडी पोजीशन में रहना इस तरीके, और बॉल को फेस करना। ये देखो ऐसे, जब अंडर हैंड आए तो क्लोज पास, फिंगर आए अप एंड थ्रो, ठीक है। तो फिंगर अप थ्रो, अंडर हैंड क्लोज एंड पास। तो आपको इस तरीके से अंडर हैंड फिंगर में पोजीशन अपना रखना है। रेडी पोजीशन भी यही है, हैंड पोजीशन भी यही है, ठीक है। और इसका जरूर ध्यान रखना कि इसको खुला रखना है, इसको ऐसा क्लोज मत करना, पहले बना के रख लेना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका कॉम्युनिकेशन। देखो जब भी आप अंडर हैंड और फिंगर लेते हो, ठीक है, होता क्या है कि आपके बगल में एक दूसरा प्लेयर खड़ा होता है, या वो लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है। अब होता है क्या है, हम ले रहे हैं पास, ठीक है, और हमने उससे कम्युनिकेट ही नहीं किया कि भाई ये लेफ्ट वाली बॉल है इसको तू ले लेना, या जो राइट वाली है उसको तू ले लेना। तो क्या होता है, इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्लेयर से कम्युनिकेट करके रखना है कि ये वाली जो एरिया है इसकी बॉल तेरी है और ये वाली साइड की बॉल तेरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका अंडरहैंड और फिंगर का जो पास है वो नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेट करके रखना, जो भी आपके प्लेयर हों, जो आपके टीममेट्स हों, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 कॉमन मिस्टेक्स बताई। तो ये अगर पॉइंट आपको बढ़िया लगे या अच्छे लगे हो तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, और जिसको इसकी ज़रूरत है आप उसके पास इसको शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि जिसको नीड है उसको मिल जाएगा मेरा मटेरियल, ठीक है। आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाओ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन हुआ तो जल्दी जाकर फॉलो करो। साथ ही साथ अपना व्लॉग चैनल है उसको ही फॉलो करो, वहाँ मैं नए नए व्लॉग अपडेट करता रहता हूँ कभी कभी पर, ठीक है। तो इस वीडियो को बनवाने में हेल्प करी मोनिल ने, ठीक है। तो इस वीडियो में खल्लास, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई और टॉपिक की कमेंट हो तो आप अपने नाम और आपकी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसको आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।